لله الحمد لله الذي وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है, 30वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह तआला। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करना चाहूँगा ताकि हम लोग रमज़ानुल मुबारक का सही तरीक़े से इख्तिताम कर सकें। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ साथ बड़ी अहम इबादत है सदक़ा और खैरात और ज़कात। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात तो हम अदा करते ही हैं, और साथ में एक और चीज़ आ जाती है हमारे लिए, वो चीज़ है सदक़े फ़ित्र, यानि फ़ित्र अदा करना। अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ तो फ़ित्रे के बारे में उसूल याद रख लीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो फ़ित्र अदा किया जाता था वो फितरा खजूर की सूरत में या किशमिश यानि मुनक्खे की सूरत में या पनीर की सूरत में या जौ की सूरत में अदा किया जाता था। और सहाबा किराम यानि खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में भी इसी तरीके से अदा किया जाता था। आपके दौर में हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्ला वजह, इन तमाम के अदवार में यही सिलसिला चला रहा। और उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी यही सिलसिला बाकी रहा। उसके बाद जाकर अरब ममालिक में उस ज़माने में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात मुबारका के बाद 30 साल के बाद तकरीबन हालात अरब के ऐसे हुए कि वहाँ पर गेहूँ का खहत आया और लोगों के पास रोटी के लिए गेहूँ और गेहूँ का आटा मैसर नहीं था। तो उस ज़माने के अमीरुल मोमिनीन ने यह हुक्म दिया कि खजूर और मुनक्के की बजाय अगर गेहूँ और गेहूँ के आटे को फितरे की सूरत में दे दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। उस बात को मानकर उस ज़माने के लोगों ने गेहूँ और गेहूँ का आटा या गेहूँ की मकदार में फितरा देना शुरू किया। वही सिलसिला आज तक भी चला आता है। लेकिन इस उसूल को याद रखिएगा, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माली हैसियत अच्छी दी है तो वो लोग खजूर और मुनक्के की कीमत के मुताबिक फितरा अदा करें, और जिन लोगों की माली हैसियत ज़्यादा ना हो उन लोगों के लिए हुक्म है कि वो अदनासा यानि गेहूं की कीमत में सदक़े फितर अदा करें। तो इस साल हमारे यहाँ शहर कदरी में और इसके अतराफ व अकनाफ में कम से कम सदक़े फितर की कीमत 80 रुपये तय की गई है। तो बहरहाल फितरा, ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि हर मर्द औरत पर, गुलाम व आज़ाद पर, सब पर फितरा फ़र्ज़ किया गया है, यानि फितरे का देना बहुत ही ज़रूरी करार दिया गया है। तो फितरा देना और ईद से पहले देना बहुत ज़रूरी है। ईद की नमाज के बाद अगर कोई फितरा अदा करे तो वह फितरा नहीं माना जाएगा बल्कि वह एक आम सदक़े की तरह माना जाएगा। तो फितरा ईदुल फितर जाने से पहले अदा करें। और दूसरी बात ये याद रखें कि फितरे को टुकड़े बनाकर या चिल्लर बनाकर बांटा नहीं जा सकता। फितरे को अगर आप किसी आदमी को, उनके ख़ानदान में लोग ज़्यादा हैं, गुरबत ज़्यादा है, तो 2-4 फितरे मिलाकर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन एक फितरे के हिस्से नहीं बनाए जा सकते। इस चीज़ का ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी फितरा देने का हुक्म दिया है। तो बड़ों की तरफ से, छोटों की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से, सब की तरफ से सदक़े फितर देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी अहम काम है। और इसका फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि रोज़ों के अंदर जो कमी बेशी रह गई, यानि हमारी ज़बान से कोई गलती निकल गई, कोई गलत अल्फाज निकल गए, या रोज़े में कोई कमी बेशी हो गई, तो अल्लाह ताला फितरे की बरकत से उस कमी बेशी को दूर फरमा देगा। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें, फितरा पहली फुर्सत में अदा करें। और ईदुल फितर जाने से पहले सुन्नत तरीक़ा जो ईदगाह जाने का है कि गुस्ल करें और अच्छा सा अच्छा लिबास पहने,
नया पहनने की सहूलत हो तो नए कपड़े इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो घर में जो सबसे अच्छे कपड़े हों उसको इस्तेमाल करें, खुशबू लगाएं और तकबीरात पढ़ते हुए, तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इन तकबीरात को जैसे ही आज शाम चाँद नज़र आएगा हम लोगों को, जैसे ही चाँद नज़र आए तो चांद नज़र आते ही हम लोगों के लिए हुक्म यह है कि हम तकबीरात को पढ़ें और तकबीरात को पढ़ें और मुसलसल पढ़ते रहें जितना हो सके। और तकबीरात में एक और भी तकबीर हदीस मुबारका में मज़कूर है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये वाली तकबीर भी हदीस मुबारका में आई है। कोई भी तकबीर पढ़ी जा सकती है। ईदगाह वक्त से पहले तशरीफ़ लाएँ, और ईद की नमाज घरों में अदा नहीं की जा सकती। कोविड के ज़माने में लोग मजबूर थे, घरों में उन्होंने नफल पढ़ ली या चाश्त की नमाज पढ़ ली, लेकिन ईद की नमाज घरों में नहीं पढ़ी जा सकती। ईद के लिए ईदगाह में नमाज के लिए आना बहुत ज़रूरी है। ईदगाह में इस साल हमारे यहाँ शहर कदरी में ईद की नमाज ईदगाह में ठीक 8 बजे जमात खड़ी हो जाएगी, लिहाजा आप तमाम हजरात वक्त से पहले ईदगाह तशरीफ़ लाएँ और ईद की नमाज में शरीक हों। ईद के बारे में एक और मसला, बड़ा अहम मसला ये भी याद रखें कि ईद की नमाज में लोग 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जो खुतबे होते हैं खुतबों को उतना अहम और ज़रूरी नहीं समझते। जितना नमाज पढ़ना अहम और ज़रूरी है उतना ही दोनों खुतबों का सुनना भी अहम और ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखें और अपने गरीब रिश्तेदारों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, उनकी इमदाद फरमाएं और अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने शहर वालों का ख्याल रखें और ईद की जो खुशी मनाएं वो जायज़ हदूद में रहकर ईद की खुशी मनानी चाहिए। ईद की खुशी का मतलब यह नहीं है कि आप कोई नाजायज़ और हराम कामों में मशगूल हो जाएं, बल्कि ईद का माना होता है साफ़ और सुथरे पाक पाकीज़ा तरीक़े से आप ईद मनाएं। यही अल्लाह अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है। ईद के बारे में खसूसियत से यह बात याद रखें, ईदगाह की नमाज की ख़ज़ा नहीं होती। ईद की नमाज में ईदगाह अव्वल वक्त तशरीफ़ लाएं और अगर ईदगाह किसी वजह से नमाज छूट गई तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज साकित हो जाती है, यानी उसकी ख़ज़ा करना कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईद की ख़ज़ा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और ईद की नमाज का वक्त चूँकि हमारे यहाँ शहर कदरी में सुबह 8 बजे का दिया गया है तो अव्वल वक्त में सब तशरीफ़ लाएँ, 7-7:30 बजे तक ईदगाह पहुँच जाएँ ताकि ईद की नमाज ठीक वक्त पर खड़ी हो जा सके। और जिस तरह 5 वक्ता नमाजों में वक्त का अहतमाम किया जाता है, इसी तरह ईद का भी जो वक्त मुकर्ररा होता है उसी के मुताबिक ईद अदा की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये याद रखें कि ईदुल फ़ित्र के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ख़ज़ा रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता, नफली रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता। ईद के दिन किसी भी किस्म का रोज़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जा सकता, ईद की खुशियाँ मनाएं। और बहुत से लोगों के यहाँ एक और भी चीज़, एक और अहम मसला मैं समझाना चाहता हूँ, किसी के यहाँ अगर इंतकाल हो गया है अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबी लोगों का, तो ऐसी सूरत में लोग समझते हैं कि उनके घर में ईद नहीं मनानी चाहिए। अगर ईद से 2 दिन या 3 दिन कबल उनके यहाँ जनाजा हुआ है तो ऐसी सूरत में ईद नहीं मनाई जा सकती, लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है इंतकाल होकर किसी भी आदमी का तो ईद मनाना बिल्कुल जायज़ है। नया लिबास पहनना, नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना और सारे घर वालों का ईद की खुशियाँ मनाने में कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। और ईद के दिन इस बात का ख्याल रखें, खुसूसन नौजवान इस बात का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ न दें और अपनी गाड़ियों को तेज़ रास्तों में दौड़ाकर अपनी जान को ख़तरे में न डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान की हिफाजत करने का हुक्म दिया है, अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया गया है। कोई भी गलत काम, नाजायज़ काम जिससे आपके पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचती हो, किसी भी तरह का कोई मसला होता हो, ऐसा काम बराए मेहरबानी ना करें, क़ानून का ख्याल करें, उसूलों की पाबंदी करें, अपने बड़ों के साथ खुशियाँ मनाएँ, अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मनाएँ। ये कुछ बातें थीं ईद के मुतालिक जो मैंने चीदा चीदा आप लोगों के सामने रखी हैं।
हैं। तो बहरहाल आप तमाम हजरात को मैं बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावीह को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे सदक़ात को कबूल फरमाए, और जो इन इबादतों में जो कमी बेशी हो गई है अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसे मुआफ़ फरमाए, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, और पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए, हर किस्म की आफतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और हम सबको मिलजुल कर इत्तेहाद से इत्तेफाक से पूरे आलम में परवरदिगार आलम हम सबको मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमा, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर वबा से, हर बला से परवरदिगार आलम हम सबको महफूज फरमा, पूरे आलम में खैर सलामती नसीब फरमा। मौलाया करीम जो कुछ हमने मांगा अपने फ़ज़ल व करम नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया तो बेहतर जानने वाला वो भी नसीब फरमा। मौलाया करीम अगर कोई हमने गलत चीज़ मांग ली हो तो उससे महफूज फरमा, और अगर कोई अहम चीज़ मांगने से रह गई तो बेहतर जानने वाला नसीब फरमा। हमारी इन दुआओं को महज अपने लुत्फ़ो करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।